तगड़ा ही जाम लग गया था उसमें। बड़ी बॉल हो जा रही है। अगली बार मिशन लेते हैं। क्या ना कहोगे? कौन सी कंपनी? देखो दोस्तों ऐसा होता ही यूरिया। हेलो तो दोस्तों कैसे हो आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। सबको सुबह की जय श्री राम और प्यारी से गुड मॉर्निंग। दोस्तों हम रात भर में गाड़ी चलाई दोस्तों, मतलब रात को दोस्तों हम गोंडा फैक्ट्री से निकल गए थे अपनी गाड़ी लेके, फैक्ट्री से अपनी गाड़ी लेके निकल गए थे और दोस्तों अभी आ गए हैं हम कंपुई राज। और तुम गाड़ी के अंदर ही चलते हैं यार, यहाँ तो बहुत धूल हो रही है दोस्तों, देखो पैर में फट गए। पूरी रात गाड़ी चलाई और पूरी रात के दोस्तों मैंने सुबह के 5 बजे तक गाड़ी चलाई थी। सुबह के 5 बजे तक गाड़ी चला के आपके भाई पहुंच गए तमगुई राज। और दोस्तों रिलायंस पेट्रोल पंप पे रात को लगाई थी गाड़ी। और चलो अब तेल लेते हैं रिलायंस पेट्रोल पंप पे, फिर मिलता हूँ मैं, फिर बताता हूँ मैं आपको क्या क्या होने वाला है। और दोस्तों अब बताते हैं कितने लीटर तेल आने वाला है। अयोध्या हमने दोस्तों तेल लिया था 15,000 का और अब देखते हैं कितने का आता है। और भाई बहुत लंबा सफ़र होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हमें जाना है गुवाहाटी, असम गुवाहाटी। ठीक है दोस्तों पहले तेल लेते हैं उसके बाद मिलता हूँ आपको। अभी जा रहे हैं हम रिलायंस पंप पे, देखो गाड़ी लगा दी है और तेल लेने चलते हैं। चलो ले भाई फुल टंकी होगी भाई, फुल टंकी होएगी लौंडे। अभी तो 23,000 का आ गया तेल, देखते हैं कितना पहुंचता है दोस्तों तेल, देखो कहां तक पहुंचता है। फुल टैंक हो गई है दोस्तों अपनी गाड़ी, ये देखो ये पेचकस से फुल कराते हैं दोस्तों हम गाड़ी, और ये फुल हो गई है। ले भाई लौंडे ये पढ़ो, देखो 27,390 रुपये का तेल आया है हमारी गाड़ी में, 390 रुपये का, 27,390 का तेल आ गया गाड़ी में। और हम भराते हैं, बंद करते हैं दोस्तों इसका ढक्कन। दोस्तों ढक्कन लगा दिया, ढक्कन को चेक करना जरूरी है, देखो कर दिया था ना काम। दोस्तों ये ढक्कन पता है कितने का आता है? कितने जितने की सैलरी नहीं है ना उतने की, तो ढक्कन ढक्कन है गाड़ी हो गई, ढक्कन बहुत महंगे है दोस्तों गाड़ी हो गई। इसके ऊपर कुछ जुगाड़ लगवाएंगे दोस्तों बेहतरीन वाला, ठीक है बेहतरीन वाला जुगाड़ लगाएंगे फिर चलेंगे। चलो ठीक है दोस्तों गाड़ी के अंदर चलते हैं, तेल तो हमने ले लिया दोस्तों और अब निकलने वाले हैं आपका भाई रूट के लिए। गाड़ी घुमा लेता हूँ दोस्तों उसके बाद मिलता हूँ। होटल आ लिया दोस्तों, तेल हाईवे पे चढ़ा दिए गाड़ी दोस्तों। सुबह के 9 बजे डलाने लगे थे दोस्तों हम तेल, सुबह के 9 बजे और 10 बज गए दोस्तों पूरे, और अब बॉर्डर के लिए निकल गए हैं। पहले बॉर्डर आने वाला है दोस्तों तमगुई राज का, बिहार बॉर्डर, बिहार में घुस जाएंगे। और दोस्तों इस वक्त आ गए हम तमगुई राज के बाजार में, और दोस्तों हमारा सफ़र होने वाला है 1100 किलोमीटर का, लगभग 1100 किलोमीटर है दोस्तों यहाँ से गुवाहाटी। और अभी आ जाएगा आगे बॉर्डर, बॉर्डर पार करते ही हम दोस्तों बिहार में घुस जाएंगे। और बिहार में घुसते ही दोस्तों फिर हमारी गाड़ी, ये डीजल तो देख रहे हो ना दोस्तों, ये चलेगा हमारा बंगाल तक, बंगाल में जाके हम दोबारा फुल टैंक कराएंगे गाड़ी का। एक बार टायर चेक करने हैं दोस्तों, आगे रोक के कहीं टायर चेक करेंगे पहले और फिर चलेंगे। ठीक है दोस्तों आगे मिलता हूँ मैं आपको। और दोस्तों टाटा मोटर्स के पास गाड़ी लगाई है, चलो चलते हैं टाटा मोटर्स में, बाल्टी लेके आते हैं दोस्तों। यूरिया की 2 डंडे रह गए बस गाड़ी में, देखो 2 डंडे है यूरिया की, और लगा दिया गाड़ी साइड में, चलो चलते हैं आ जाओ। और दोस्तों आ गए हैं टाटा मोटर्स, और यही भाई बहुत तकड़ा कांड, पूरा चिपका पड़ा दोस्त। और देखो दोस्तों ये चीज़ पूरा बैंड हो रखा, अब यार मतलब कैसे कैसे सीन दिखने को मिलते हैं। और ले आए दोस्तों 3 बाल्टी यूरिया, टायर चेक कर लेते हैं, वह अभी चेक कर रहे थे दोस्तों, ओके है। और दोस्तों निकल गए आपका भाई, कह रहा दोस्तों ओवरलोड है गाड़ी में, टोल टैक्स वाला कह रहा ओवरलोड की पर्ची कटेगी 325 रुपये की, मैंने कंटा करवा ले। ठीक है दोस्तों कंटा करवाते हैं। फाइनली आपका भाई आ गया है बॉर्डर दोस्तों, यही है तमगुई राज बॉर्डर गोपालगंज चेक पोस्ट, इसे पार करते ही दोस्तों बिहार में घुस जाएगा आपका भाई।
और सामने दोस्तों ये बॉर्डर है अपने, बॉर्डर क्लोज नहीं दिखा सकता दोस्तों, दूर से ही दिखा सकता हूँ मैं बॉर्डर आपको। देखो चेक करो दोस्तों आपको भाई बॉर्डर पे खड़ा है इस वक्त, और अब डाल रहे हैं दोस्तों हम यूरिया। यूरिया डालने के बाद दोस्तों फिर निकलेंगे यहाँ से। चल भाई यूरिया की बाल्टी निकाल लो ऊपर से, मैं चाप भी निकालता हूँ, यूरिया खोलता हूँ। ठीक है दोस्तों यूरिया डालने के बाद मिलता हूँ। निकाल दिया दोस्तों दो बाल्टी यूरिया, और डाल लेंगे अब यूरिया इसके अंदर, इसके अंदर डालेंगे इसके अंदर। ठीक है दोस्तों अभी दिखाता हूँ मैं कैसे डालता आपको भाई यूरिया। आपको भाई खोलना है बाल्टी, देखो दोस्तों ऐसा होता है यूरिया, ये देख लो यूरिया, और ये डलेगा इसके अंदर जिससे गाड़ी धुआं नहीं फेंकती, खिंचाई भी बढ़िया करती है। ठीक है दोस्तों यूरिया डाल के मिलते हैं फिर आपसे। निकला जा रहा है बॉर्डर से, अब बिहार में विजिट कर गए हैं दोस्तों। और ये देखो एड ब्लू पूरा डाल दिया दोस्तों, चाय पानी पी लिया और निकलने की तैयारी है। चलो निकलते हैं फिर। और दोस्तों अब यहाँ से चलते रहेंगे हम, कम से कम यहाँ से 60 किलोमीटर तो चलेंगे दोस्तों, उसके बाद रुकेंगे, टायर ठंडे करेंगे। और दोस्तों टाइम भी 11:46 हो गए हैं, और आराम आराम से चलते जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों वेट करके आपका भाई ढाबे पे, ये अपना ढाबा है दोस्तों, इस आदर्श होटल, पहले दिनेश होटल के नाम से था दोस्तों। अब इधर दोस्तों खाना खाएंगे, और उसके बाद फिर अपना हाईवे पे दौड़ाएंगे ट्रक। खाना खा के दोस्तों हाईवे पे ट्रक दौड़ाएंगे। पहुंच गए दोस्तों ढाबे पे, देखो ढाबा, और चलते हैं दोस्तों टायर वायर चेक करते हैं, और फिर रोटी खाने चलते हैं, भूख लग रही है, कुछ भी नहीं खाया सुबह से। और टाइम भी दोस्तों 1 बज गया, पूरा 1 बज गया। चलते हैं दोस्तों ढाबे पे रोटी खाते हैं, और फिर निकलेंगे, फिर शाम को नहाएंगे धोएंगे और फिर चलेंगे। टायर चेक कर लेते हैं एक बार दोस्तों, ठीक है भाई टायर। अरे भयंकर गर्म, बहुत तगड़े हो रहे भाई टायर, हाथ भी नहीं रखा जा रहा। हाथ भी चेक कर लेते हैं, ओए भैया हाथ भी गर्म हो रहे। ठीक है दोस्तों ढाबे पे मिलते हैं फिर। दोस्तों ढाबे में आ गए हैं, और ये हमारा खाना आज का, लोकी चना दही और रोटी। ठीक है दोस्तों खाना खाने के बाद मिलते हैं, अंडे राशन फेल थे सारा। और दोस्तों हो गया है अपना रोटी पानी, टायर भी ठंडे हो गए हैं, और पूरे 2 बज गए हैं दोस्तों। गर्मी तो हो ही रही है, देखो सबने गाड़ी साइड में लगा रखी। तो अब निकलते हैं सफ़र के लिए। दोस्तों आप सामने देख रहे होंगे वो पुल दोस्तों, इस वक्त विजिट करके हम पीपरा कोठी। ठीक है दोस्तों, और अगर यहाँ से लेफ्ट मार देगा आपका भाई तो पहुँच जाएंगे नेपाल मोतिहारी होके, और राइट मारेंगे दोस्तों हमें जाना राइट मुजफ्फरपुर के लिए, और मुजफ्फरपुर से मारेंगे दोस्तों लेफ्ट। और दोस्तों जब भी आप बिहार में गाड़ी चलाओ ना, बहुत देख के चलाओ, ये देखो बकरियाँ कैसे चुगती फिर रही है रोड पे। तो यहाँ की बकरियाँ भैंस बच्चे कोई भी कहीं भी आ सकता है, भरोसा नहीं है। देख रहे हो कहीं से भी निकल जाते हैं दोस्तों ये लोग। ठीक है दोस्तों अब आगे मिलेंगे, आगे कहीं साइड में लगाऊंगा तब मिलूंगा मैं आपसे। अब बिहार में थोड़ा देख के चलानी पड़ती है गाड़ी, सारी जगह ही देख के चलानी पड़ती है, क्योंकि आजकल कहीं से बकरियां निकल जाती हैं, कहीं से भैंस निकल जाती हैं। और दोस्तों रोड पे इस वक्त ना गायें बहुत हैं, आप जगह जगह यूपी में देख लेना, गायें ही गायें मिलेगी। तो आपको बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, कुछ तो गायें रोड पर ही मरी पड़ी मिलती हैं। ठीक है दोस्तों आगे मिलता हूँ मैं आपको। देखो दोस्तों स्पीड लिमिट भी लगी हुई है ऊपर, मतलब चलान कटने के लिए है। वो पहुँच चुका है दोस्तों मुजफ्फरपुर, और ये है मुजफ्फरपुर, और तगड़ा ही जाम लग गया दोस्तों। और दोस्तों मुजफ्फरपुर आ गया, हमें लेफ्ट होना है। आपको भाई गाड़ी यहाँ थोड़ी देर साइड में लगाएंगे दोस्तों, वहाँ से चल गए होटल से चल गए दोस्तों, अभी तक रोकी नहीं है गाड़ी, आगे लगाएंगे थोड़ी साइड में। चाय वाय चाय तो पीऊँगा नहीं दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। बस थोड़ी देर 20 मिनट रोकेंगे गाड़ी, टायर ठंडे हो जाएंगे, और फिर चल देंगे अपना गाड़ी लेके। 26 किलोमीटर पर दोस्तों एक टोल हो रहेगा आगे, टोटल 5 टोल कटने वाले हैं दोस्तों हमारे यहाँ। और यहाँ तो दोस्तों बिहार में तो आप रोड पर भी गाड़ी लगा सकते हो, कोई चलान नहीं है, कहीं भी देखो कैसे भी लगा सकते हो गाड़ी। और गाड़ी को हमेशा दोस्तों साइड में ही लगाना चाहिए बिल्कुल। और दोस्तों फिल्टर करवाना है साफ़, और ग्रीस भी करवाना है,
अगर आज टाइम मिला तो आज करवाएंगे, वरना कल को तो टाइम ही टाइम है, कल को करवाएंगे फिर फिल्टर और ग्रीस। ग्रीस 200 पता कहाँ होता है, पिनों में होता है, मतलब हर 1000 किलोमीटर पे करा देना चाहिए पिनों में ग्रीस, उससे ढीली चलती है गाड़ी, डीजल भी कम खाती है गाड़ी। इन बातों की नॉलेज रख के गाड़ी चलाई जाती है। और अभी दोस्तों यहाँ से कम 350 किलोमीटर होगा पूर्णिया, पर हमें अररिया से घूमना है दोस्तों। रात ही हो जाएगी दोस्तों हमें वहाँ तक जाने में, कम से कम 11-12 बज जाएंगे मेरे हिसाब से, तो देखते हैं कितने बचेंगे। किलोमीटर भी तो बहुत ही है, 250-300 किलोमीटर है पूरा। आज देखते हैं कहाँ तक जाते हैं दोस्तों। अगर हम सीधा चले जाते हैं ना दोस्तों उस रोड से जहाँ से हम घूमे, तो वो सीधा रोड भी मुजफ्फरपुर जा रहा है, और वो सीधा दोस्तों सीधा रोड जा रहा है तुम्हारा क्या बोलते हैं पूर्णिया। उधर टोल उधर भी टोल कम कटते हैं, पर सिंगल लाइन रोड है, थोड़ी थोड़ी बीच बीच में फोर लाइन है, और ये पूरी फोर लाइन है, पूरा बाईपास है दोस्तों। और आगे दोस्तों कोसी नदी भी आएगी, एक बहुत बड़ी नदी है, उसमें नेपाल से पानी आता है। ठीक है दोस्तों, आगे रोकते हैं गाड़ी, तब मिलता हूँ मैं आपको। और टाइम हो गया दोस्तों 5, और आपका भाई उतर गया है दोस्तों गाड़ी से, बहुत चला दी दोस्तों गाड़ी। टायर भी पूरे गर्म हो रहे, तगड़े वाले गर्म हो रहे। अरे लगा दिया दोस्तों टोल टैक्स के बगल में गाड़ी, भाई पी लेते हैं एक कप चाय और फिर चलते हैं दोस्तों गाड़ी लेके, टायर भी ठंडे हो जाएंगे, थोड़ी हवा लग जाएगी, 5 बजे चलेंगे दोस्तों। चाय वाय पी लिए और निकल रहा है आपका भाई अब गाड़ी लेके, टायर भी ठंडे हो गए, नॉर्मली ठंडे हुए हैं, ज़्यादा ठंडे नहीं हुए दोस्तों। यार दोस्तों क्लच प्रॉब्लम कर रहा, क्लच टाइट चल रहा थोड़ा, क्लच वही उसके जो रिलीज प्रेशर रिलीज मशीन होती है ना दोस्तों घोड़े में लगी रहती है पीछे, वो दिक्कत कर रही है। वो गारंटी पे इसलिए छिड़ा नहीं रहे हम, कहीं बाहर भी करा सकते थे, पर बाहर हम इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि वो मशीन है गारंटी पे, वो फ्री में ठीक होएगी या तो फ्री में नहीं आएगी, इसलिए अगर बाहर छिड़ा देंगे तो गारंटी ख़त्म हो जाएगी उसकी। और आप चलते रहेंगे दोस्तों, शाम भी हो गया है जैसे कि 5:15 हो गए हैं, और दोस्तों वॉल्वो जा रही, देखो डिसेंट है वैंगर वॉल्वो यार, है नी एसी वेसी सब है उसमें। और भाई पूरे 8 गियर फिट लगा दिया आपके भाई ने, अब बस बैठना है आराम से, स्टीयरिंग थाम गया, आराम से चलते हैं बस। 50 की स्पीड में चलती है दोस्तों हमारी गाड़ी जो होती है दोस्तों, एक ही स्पीड में चलती है, जैसे हम 50 चल रहे हैं तो 50 ही चलेंगे, 50-60 किलोमीटर तक, उससे तेल भी कम खाती है गाड़ी। अगर हम बीच बीच में एक्सीलेटर चेंज करते रहेंगे, मतलब कभी 50 चला रहे कभी 55, तो तेल ज़्यादा पिएगी गाड़ी। ठीक है दोस्तों आगे मिलता हूँ कहीं जब रोकूँगा मैं। परमिशन देखो कितनी तगड़ी है इसकी वॉल्वो की, बोर्ड भी उठवा रखा पूरा। कौन सी कंपनी का स्कैनर का होगा, कौन सी कंपनी का ड्रा? आई सर दोस्तों, आपका भाई आ गया झंझारपुर दोस्तों, ये इस जगह का नाम है झंझारपुर, पीछे राजा टोल प्लाजा पे रुका था दोस्तों, आपका भाई राजा टोल प्लाजा पीछे था, उसे झंझारपुर ही बोलते हैं दोस्तों। और दोस्तों अभी हमें यहाँ से कम 350 किलोमीटर चलना है, 350 किलोमीटर पूरी रात रात में, अभी तो दोस्तों 6:30 बज रहे हैं, 6:45 हो गए हैं दोस्तों, अभी तो मतलब रुके पड़े हैं क्योंकि टायर दोस्तों पूरे भपक रहे हैं, मैंने देखा भी हाथ लगा के पूरे टायर गर्म हो रहे थे, तो अभी चलेंगे थोड़ी देर बाद 7 बजे चलेंगे दोस्तों यहाँ से। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सबको जय श्री राम और प्यारी सी गुड नाइट, सब आराम करो दोस्तों, और आपका भाई चलाएगा पूरी रात गाड़ी। और ये देखो ढाबा, यहीं सर्विस रोड पर लगाइए दोस्तों, पीछे जब चाय पी ना दोस्तों बस मूड ख़राब हो गया, वो चाय पी के अजीब सा अभी भी मुँह में हो गया। ठीक है दोस्तों, कल को मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कल को आपको पता लग जाएगा मैं कहाँ हूँ।